हेलो एवरीवन, बच्चे डे 20 में हम लोग देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, है ना। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट जो होता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, वो आपका बॉटनी में होता है, और कुछ पार्ट बायोटेक का आपके इंसुलिन प्रोडक्शंस में, जहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं हम लोग, तो वो पार्ट आपका जोलॉजी में भी आता है। तो हम लोग देखते हैं इसका पहला पार्ट जो है आज डे 20 में बायोटेक्नोलॉजी होता क्या। बेसिकली एक टेक्निक है, लाइव ऑर्गेनिजम्स आर दियर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब क्या है, एक टेक्निक है जो लाइव ऑर्गेनिजम्स पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। लाइव ऑर्गेनिजम्स आर दियर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, ठीक है। अब इसमें बोला गया था बच्चे कि एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB जो है डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट दियर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डील विद माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस मेकिंग कर्ड ब्रेड वाइन एक्सेट्रा, ठीक है। इतनी चीज़ों से बायोटेक्नोलॉजी का लिंकअप है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। अच्छा, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन्स, प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन्स, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स, ये सब आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हो सकता है ना बच्चे। तो क्या प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, लेट वी डिस्कस नाउ। कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। देखो बच्चे, जो आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, द टेक्निक इन विच द जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA इज केमिकली अल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स टू चेंज द फिनोटाइप। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास एक ये ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोलाई है ये, क्या ये इकोलाई। अब इसका जो अपना DNA है, इसका जो अपना DNA है, और ये दूसरी साइड आपके पास एक और ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो DNA है इसको हम होस्ट मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इकोलाई का, इसका DNA निकाल के इस इकोलाई में हम लोग डाल रहे हैं, तो इसका जो DNA वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसकी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज फिनोटाइप। तो उसकी जो फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल एम्बियंसिस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स। मतलब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में होता है कि आप मेंटेन करें, स्टीरलाइज एबियंसिस साफ रखें, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड केमिकल, जो आपको डिजायर्ड माइक्रोब बनाने हैं उनके लिए कंडीशन साफ सुथरी रखें आप लोग, जब आप जीन्स का काट फाट कर रहे हो तो, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक दैट इज़ वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग से और बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, वैक्सीन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। देखो दूसरा क्या बोल रहा है, बेसिक स्टेप इन GMO। बेसिक स्टेप क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन। तो पहला हमारा ये काम होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जिसकी हम नंबर ऑफ कॉपीज बनाना चाहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। बहुत सारे जीन्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, ठीक है बच्चे। तो हम डिजायरेबल जीन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ये GMO का बेसिक स्टेप है, ठीक है। GMO बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हमने किस में डालना है, वो हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अ वेक्टर DNA सच एज प्लाज्मिड इज़ यूज डिलीवर इन द LN पीस ऑफ DNA इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स। हम प्लाज्मिड के द्वारा फॉरन DNA को, LN पीस बोला जाता है, फॉरन DNA को होस्ट ऑर्गेनिजम्स में डालते हैं बाई यूजिंग द वैक्टर विच इज़ प्लाज्मिड, ठीक है बच्चे। और क्या बोल रहा है आपके पास, यहाँ पे देखिए बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द DNA टू इट्स प्रोजनी। अ पीस ऑफ LN DNA हैज़
नो द सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो पीस ऑफ डीएनए डालोगे उसकी आगे बहुत सारी कॉपीज जो बनेगी उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नीडेड फॉर स्टार्टिंग रेप्लिकेशन सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हेंस एलएन डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट डीएनए। ठीक है बच्चे, जो फॉरेन डीएनए था वो रेसिपिएंट डीएनए के अंदर अपने नंबर को डबल करना शुरू हो गया। ठीक है, इट मल्टीप्लाई इन हर्ट अलोंग विद द होस्ट डीएनए। एक पॉइंट इसमें याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड इंसर्टिंग द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब देखो बच्चे, जैसे ये आ गया हमारा प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने ऐड कर दिया है ये कौन सा है फॉरेन डीएनए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ गया, एक फॉरेन डीएनए आ गया और एक हमारे पास होस्ट डीएनए आ गया, दोनों को कंबाइन करके आरडीटी बोला जाता है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय स्टेनले कोहिन एंड हार्बर्ट बॉयर 1972 में। पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसने डिस्कवर किया है, स्टेनले कोहिन और हार्बर्ट बॉयर ने। दे आइसोलेट एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ सेल्मोनेला टाइफमोरियम, इट वाज लिंक्ड विद प्लाज्मिड वेक्टर एंड ट्रांसफर्ड इनटू ईकोलाई, एज अ रिजल्ट द जीन वाज एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड इन ईकोलाई। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीख रहे हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो हम बोलते हैं बच्चे आरडीटी के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, द एंजाइम दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इन टू फ्रेगमेंट्स, दे बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इन 63 टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टेरियोफाज इन ईकोलाई वर आइसोलेटेड, वन एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, द अदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए। ठीक है, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, नेमिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, द सेकंड टू लेटर इंडिकेट स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम दे वर आइसोलेट ईकोलाई कम्स फ्रॉम ईकोलाई आर वाई 13, आर इज इक्वल टू द स्ट्रेन रोमन नंबर, द ऑर्डर इन विच द नेम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट ऑफ स्ट्रेन बैक्टीरिया पार्टिकल। ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखना है, इसमें आप लोग इसमें ये चीज़ें भी ध्यान रखोगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, तो इसमें हाइंड टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वाले पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है बेटा, थैंक यू।